हेलो एवरीवन, आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। एक्चुअली आज मैं एक प्रोडक्ट खरीदा हूँ अमेजोन से, एक मीशो का प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदा हूँ। तो प्रोडक्ट अभी अभी आया है, अनबॉक्सिंग करते हैं और कुछ क्या क्या है उसमें बताते हैं। अच्छा, आज जो मैंने प्रोडक्ट खरीदे हैं वो है वन बाई वेकॉम। वेकॉम इज़ अ जापानीज कंपनी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेकॉम एक जापानीज कंपनी है। मुझे लग रहा था कि चाइनीज कंपनी होगा, पर दैट्स गुड। तो इसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना है मैं बता देता हूँ। इसका जो प्रिंटेड प्राइस है उसमें लिखा है कि 8099। और उसका मैंने पेमेंट किया है 6800। इसमें क्या क्या रहता है, ओपन करते हैं। हो गया तो मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या है। इसका जो एक बॉक्स दिया गया इसके अंदर से, और इस बॉक्स का मैं काम करता हूँ उसमें दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या आया है। बॉक्स इसको खोलिए, बॉक्स के अंदर है पैड, दिख रहा ये है पैड, ये पैड जहाँ पे लिखा हुआ था, और इसको कहते हैं पिन टैबलेट। इसको साइड में रख देता हूँ। इसके साथ आया है एक साथ कनेक्ट करने के लिए, और एक इसके साथ एक क्रीम जैसा दिख रहा है। इसके साथ 3 नीड्स भी दिया हुआ है, नीड दिया है, ठीक है। उसके साथ ये है उसका, ओ 3 नहीं 4, इसके अंदर भी एक नीड है ये दिख रहा है। सो दिस इज द पेन, इसका यूज करें देखेंगे क्या होगा। इसके साथ मुझे जो मिला है एक क्या है? ये क्या है? ओह, आई थॉट यूजर मैनुअल कुछ होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है। ओह, यूजर मैनुअल है, सॉरी। इसको ऐसे पैकिंग किया गया है, इसके अंदर यूजर मैनुअल है। इसमें देखते हैं क्या है। ओके, इसको लगाने के लिए वो रिंग है, इसको यूज करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट आप कैसे कनेक्ट करेंगे, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है उसका भी डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अच्छा, तो और क्या है, इसका मॉडल नंबर है CT472 CTL672। दो मॉडल नंबर क्यों नहीं मुझे पता है। जहाँ पे इंग्लिश में लिखा है जो मुझे समझ में आएगा, दूसरे साइड में शायद जापानीज में लिखा होगा, कुछ रशियन में भी है, कुछ कुछ चाइनीज में भी है। सो दीज आर द टोटल थिंग्स दैट आई हैव, जो उन्होंने अब तक मुझे यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे कि वो उसको ऑपरेट करेंगे, इसके साथ और कुछ दिया है क्या, उसको ऑपरेशन स्टेज में कैसे लेके जाते हैं वो हम देखेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे अनपैक कैसे करना है। तो मैंने उसको यहाँ से खोल दिया है। उसको खोलने के बाद मुझे और भी कुछ चीज़ मुझे दिख रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको पैकिंग को खोलने का ज़रूरत होगा शायद, नहीं तो कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा पैकिंग हटाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी मुझे लग रहा है कि ऐसे ही निकल जाएगा या निकल गया। तो मैंने उसको साइड कर दिया, तो इसका पॉइंटर इस साइड दिया गया है, इस साइड। सो इस साइड में हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ठीक है। कैसे मैं कर रहा हूँ आपको पूरा दिखेगा। तो उसके बाद जो है मैंने इसको भी अनलॉक किया, तो इसका अनबॉक्स किया। ये वाला जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर मोबाइल जैसे लग रहा है, मोबाइल का पॉइंटर से ही पॉइंट चला जाता है। तो उसको मैंने ये वाला जो पार्ट है उसमें डाल देता हूँ। कैसे डालना है, ऐसे ही बना सर। तो ओके, ये सेट हो गया है, इसको रिटर्न कर देते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है जो लैपटॉप के अंदर जाएगा, ओके, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते ही इसमें एक लाइट जल गया है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे एक लाइट जल गया है, ठीक है, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के बाद। अब मुझे जो लगेगा वो है मैनुअल, मैनुअल में क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ये है पार्ट, जहाँ पे पेंसिल का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट था, हम लोगों को मिल गया। ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो गया। अब जो करना है कि यहाँ पे कुछ साइन दिया गया है, पावर बटन कनेक्शन, यहाँ पे टच पैड, और यहाँ पे बोला गया है कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, या स्टार्ट वन का कुछ चीज़ मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ही शायद ये चालू होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ मैं कैसे किया। ये स्टार वन है शेज बोल के, जो वकम का जो वेबसाइट है वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने डाउनलोड किया स्टेप टू का जो चीज़ था, वो डाउनलोड अभी हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये इंस्टॉल अभी होगा, इसको इंस्टॉलेशन कर देते हैं। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंस्टॉलिंग के लिए। अभी इंस्टॉल हो रहा है, शोइंग दिस मे टेक फ्यू मिनट्स, ऐसे इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, अब दिखाते हैं कैसे यहाँ पे लिख रहे हैं। और हम मेरे पास एक बोर्ड है जिसको जिसका नाम है, एक सॉफ्टवेयर है, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अगर इसमें कुछ लिखना चाहूँ जो मैं अभी साइन कर सकता हूँ, कम स्मूथ है, ठीक है। अभी दिख रहा है कि वहाँ पे लिख रहा है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज सो वहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने वहाँ पे क्या लिखा। सो दिस इज़ द, अभी ऐसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसका कुछ भी दिए अगर चाल सकते हैं। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा धीरे धीरे में, पर आपका अगर चालू कर देते हैं, मतलब यूज़ करना चालू करते हैं, तो हो जाएगा, ओके। So see you in the next video with this one. So thank you so much.